हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन 11। दिस इज़ राजकुमार यादव। अब क्वेश्चन 11 में मैच करना है हमें, लिस्ट वन और लिस्ट टू दो दिया गया है, हमें करेक्ट कोड देना है। फर्स्ट लिस्ट में क्या है? निकोलो कैंटी, सेकंड डोमिंगोस पेज, सी इब्न बतूता और डी अथनासियस निकिशियन। ज़बरदस्त नाम है यार। अब लिस्ट टू में मोरक्कन ट्रैवलर है, वेनेशियन ट्रैवलर, रशियन ट्रैवलर या फिर पोर्चुगीज ट्रैवलर, मतलब ये सब ट्रैवलर्स के नाम हैं और आपको लिस्ट करना है। ठीक है, मान लो कि आप इसके बारे में हम लोग नहीं जानते, तो आगे देख लेते हैं। निकोलो कॉन्टी ये कौन थे? ये एक इटालियन मर्चेंट थे और एक्सप्लोरर थे, जिनका जन्म शियोग्या में हुआ था, जो इंडिया ट्रैवल करके आए थे। हु ट्रैवल टू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड पॉसिबली टू सदर्न चाइना ड्यूरिंग दी अर्ली 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के टाइम पे ये आए थे। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया कि निकोलो डी कैंटी ये कौन थे? इटालियन मर्चेंट थे और एक्सप्लोरर थे, जिनका जन्म जो 15th सेंचुरी में थे। डोमिंगो पेस कौन थे? समटाइम्स पेस को PAIS भी बोलते हैं। इसमें 16th सेंचुरी में ये एक पोर्चुगीज ट्रैवलर थे, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर की विजिट ली थी, मतलब यहाँ पर आए थे, जो कि डेक्कन में है, साउदर्न इंडिया में। 1520 में ये वहाँ पे आए थे। ठीक है, इब्न बतूता February 25, 1304 से लेकर 1368 या फिर 1369, ये एक मुस्लिम मोरक्कन स्कॉलर थे और एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया था। हु वाइडली ट्रैवल द मिडवल वर्ल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल तक ये ट्रैवल करते रहे। माय गॉड, इब्न बतूता विजिटेड मोस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एंड मैनी नॉन मुस्लिम लैंड्स। इस्लामिक कंट्रीज़ और नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ और लैंड्स पे भी ये गए थे, इंक्लूडिंग नॉर्थ अफ्रीका, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड चाइना। अफानसी निकितिन ये एक रशियन मर्चेंट थे, कहाँ के? त्वेर के। ही वॉज अ रशियन मर्चेंट ऑफ त्वेर एंड वन ऑफ द फर्स्ट यूरोपियंस आफ्टर निकोलो डी कैंटी टू ट्रैवल टू एंड डॉक्यूमेंट हिज विजिट टू इंडिया। तो निकोलो डी कैंटी के बाद ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था। ये जो इंडिया में ट्रैवल करके आए थे, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था। ही डिस्क्राइब्ड हिज ट्रिप इन अ नैरेटिव नोन एज, इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था वो कहाँ पे लिखा था, कौन सी बुक में? इसका नाम था द जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज। अब आंसर है फर्स्ट ए का आंसर है, सेकेंड बी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ। अब ये खाली इसमें देख लो ना, निकोलो डी कैंटी कौन थे? इटालियन मर्चेंट थे, और डोमिंगो पेज ये कौन थे? पोर्चुगीज ट्रैवलर, और इब्न बतूता एक मुस्लिम मोरक्कन स्कॉलर थे, और एफएनसी निकिटिन ये कौन थे? एक रशियन मर्चेंट थे। ठीक है, तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ यहाँ पे है कि नहीं? यस, ये ऑप्शन ए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। द नगर शेठ हु इंटरवेंट टू सेव द सिटी ऑफ अहमदाबाद फ्रॉम बींग लूटेड बाय द मराठास बाय पेइंग रैनसम मनी फ्रॉम हिज पर्सनल फंड्स इन 1725 AD वॉज। तो एक नगर शेठ थे जिन्होंने अहमदाबाद को बचाया था लूटने से, क्योंकि वहाँ पर मराठास लोग आ गए थे, तो मराठास से अहमदाबाद को लूटने से बचाया था, और इन्होंने मराठास को काफ़ी पैसे दिए थे इनके खुद के फंड में से। तो इसमें से कौन थे वो? ए शेठ शांतिदास जवाहरी, बी शेठ लक्ष्मीचंद, सी शेठ खुशलचंद या फिर डी शेठ श्यामला जी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 1723 मुबारिस उल मुल्क वायसराय चोज शुजात खान हिज डेप्यूटी एंड हामिद खान देन होल्डिंग अहमदाबाद फॉर द निज़ाम द फॉर्मर वायसराय रिटायर्ड। शुजात खान टुक हिज प्लेस, तो शुजात खान फिर उनकी जगह पे ले लिया। ठीक है, शुजात खान ने उनकी जगह ले ली। एंड वेंट टू कलेक्ट ट्रिब्यूट देन हामिद रिटर्न्ड डिफीटेड एंड किल्ड शुजात। तो हामिद जब वापस आए तब वो उन्होंने शुजात को हरा के मार दिया, और अहमदाबाद का जो पूरा का पूरा लैंड था वो अपने अंडर ले लिया। रुस्तम खान शुजात के भाई केम अगेंस्ट हामिद। अब हामिद ने उसके भाई को मारा था, तो रुस्तम उसका बदला लेगा, राइट? तो रुस्तम हामिद के पीछे पड़ गए। हामिद वन ओवर द मराठास टू हिज साइड डिफीटेड एंड किल्ड रुस्तम एंड सीज्ड एंड पायलेट अहमदाबाद। तो हामिद ने मराठास के साथ फ्रेंडशिप कर ली थी, और इनकी हेल्प से इसने रुस्तम को हरा के मार दिया था, और पूरे अहमदाबाद पे अपना कब्जा रखा था। देन द वॉइसरॉय मुबारिस उल मुल्क केम एंड टुक अहमदाबाद। उसके बाद वॉइसरॉय को अपॉइंट किया गया मुबारिस उल मुल्क,
जिसने अहमदाबाद पे अपना रूल किया, उसका कंट्रोल अपने हाथ में लिया। फॉर हिज सर्विसेज इन स्टॉपिंग द पायलेज ऑफ द सिटी, कुशल चंद, एन एंसेस्टर ऑफ द प्रेजेंट लाला भाई फैमिली ऑफ अहमदाबाद, नगर सेठ और चीफ ऑफ मर्चेंट्स, वॉज रेज टू दैट ऑनर। अब कुशल चंद जो थे, कुशल चंद की सर्विसेज की वजह से, मतलब कुशल चंद वो थे, कुशल चंद आज की जो अहमदाबाद में जो लाल भाई फैमिली की, सॉरी लाल भाई फैमिली जो है अहमदाबाद में, उनके एंसेस्टर थे कुशल चंद, जो एक नगर सेठ थे। इन्होंने इस बात पे ध्यान रखा था कि मराठास यहाँ पे आके अहमदाबाद को लूटे नहीं। शांतिदास झवेरी वॉज एन इन्फ्लुएंशियल इंडियन ज्वेलर, बुलियन ट्रेडर एंड मनी लैंडर ड्यूरिंग द मुगल एरा। ही वॉज द वेल्दीएस्ट मर्चेंट इन अहमदाबाद सिटी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। ही वॉज ऑल्सो अ फिलेंथ्रॉफिस्ट हु मेड डोनेशंस टू टेम्पल्स एंड स्कूल्स। सो आंसर है ऑप्शन सी, शेठ कुशल चंद। क्वेश्चन 13, वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी सिचुएटेड? ए अदियार, बी पौंडीचेरी, सी बेंगलोर एंड डी पुणे। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फर्स्ट फाउंडेड बाय अ रशियन लेडी, मैडम एच पी ब्लेवेस्की, एंड अ फॉर्मर इंग्लिश आर्मी ऑफिसर कर्नल एच एस ऑलकॉट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1875। तो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी वो फाउंड हुई थी अमेरिका के अंदर, किसके द्वारा? एक रशियन लेडी और एक फॉर्मर इंग्लिश आर्मी ऑफिसर के द्वारा। बट दे कंसिडर्ड इंडिया एज अ सूटेबल प्लेस फॉर थियोसॉफिकल मूवमेंट्स। पर उनको लगा कि इंडिया जो है वही सूटेबल प्लेस है थियोसॉफिकल मूवमेंट्स के लिए। अंडर देयर इंस्पिरेशन द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया केम इन टू बींग एंड अदियार इन मद्रास इन 1886। तो इन्हीं के इन्फ्लुएंस की वजह से थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का जन्म हुआ अदियार के अंदर, जो मद्रास में है, और 1886 में। 1996 में द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ऑफिशियली चेंज द नेम फ्रॉम मद्रास टू चेन्नई। अब ये मद्रास का नाम चेन्नई बन गया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने उसका नाम मद्रास से चेन्नई चेंज कर दिया। तो आंसर है ऑप्शन ए अदियार। क्वेश्चन 14, नेम द लीडिंग पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ अहमदाबाद हु वॉज अवॉर्डेड खान बहादुर मेडल बाय द इंग्लिश फॉर हिज सर्विसेज रेंडर्ड टू द पारसी सोसाइटी। तो इसमें से किसको बहादुर खान मेडल का अवार्ड मिला था इंग्लिश के द्वारा, जो एक पारसी फैमिली पारसी सोसाइटी को सर्विस दी थी इन्होंने? ए शेठ नवरोजी पेस्तनजी वकील, बी दादा भाई नवरोजी, सी खारशेद जी फेरदून जी पारेख, या फिर डी वकील बेजान जी मानेक जी अंकलेश्रिया। सो इसके बारे में पढ़ते हैं। इन 1867 ही वॉज मेड खान बहादुर फॉर हिज वर्क इन द इंडियन म्यूटिनी एंड टू ईयर्स लेटर ही वॉज अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल फॉर हिज सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो 1867 के टाइम पे इनको खान बहादुर का अवार्ड दिया गया, किसको? शेठ नवरोजी पेस्तनजी वकील को, क्योंकि जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम पे इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, इन्होंने जो मेल सर्विस थी, जो पत्र व्यवहार था, उसको चालू रखा था। अ पारसी फिगर वॉज ही शेठ नवरोजी पेस्तनजी वकील, ही वॉज अ पारसी इन पूना एंड ही वॉज नोन एज पेस्तनजी सौरभ जी, हु स्टार्टेड एज अ शॉपकीपर बट देन ऑब्टेन द लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैरिंग मेल इवेंचुअली फ्रॉम पूना टू बॉम्बे। सो पूना से बॉम्बे तक का जो पत्र व्यवहार था और औरंगाबाद और नागपुर का, इन्होंने हैंडल कर लिया, इन्होंने ये ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने हाथ लिया। ही सेड टू हैव केप्ट 500 हॉर्सेज फॉर द मेल सिस्टम, ही मेंटेन द मेल ड्यूरिंग द सिपाही रिवॉल्ट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1857 एंड वॉज मेड खान बहादुर बाय द ब्रिटिश फॉर हिज एफर्ट्स। तो इन्होंने 500 घोड़ों की हेल्प से जो मेल सिस्टम था पत्र व्यवहार वो चालू रखा था 1857 के टाइम पे भी, और इनके एफर्ट्स की वजह से इनको खान बहादुर का टाइटल दिया गया। दादा नवरोजी जिनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 से और डेथ हुई थी 30 जून 1917 को, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है, एक मिनट। तो ये हम देख रहे हैं दादा नवरोजी के बारे में, जो अलग है, ठीक है, ये आंसर नहीं है, लेकिन दादा भाई नवरोजी कौन थे उनके बारे में यहाँ पे देख लो। इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वो भी एक पारसी इंटेलेक्चुअल थे, एजुकेटर थे, कॉटन ट्रेडर थे और एंड एन अर्ली इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर, ये पॉलिटिकल और सोशल लीडर भी थे, ये लिबरल पार्टी के मेंबर भी थे, कौन सी पार्लियामेंट में, यूनाइटेड किंगडम की जो
पार्लियामेंट थी यूनाइटेड किंगडम में, जो हाउस ऑफ कॉमन्स था 1892 से 1895 में, उसमें ये लिबरल पार्टी मेंबर भी थे उस पार्लियामेंट के, और पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश एमपी बने, नॉट विस्टैंडिंग द एंग्लो इंडियन एमपी डेविड ऑक्टेरलोनी डाइस सोमरे हु वॉज डिस एनफ्रेंचाइज फॉर करप्शन। तो इनको किसके प्लेस पे रखा गया था? इनको एमपी डेविड के प्लेस पे रखा गया था, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि ये करप्शन कर रहे हैं, तो उसको हटा के इन्होंने इंडिया के दादा भाई नौरोजी को रख लिया था एज एन एमपी। नौरोजी इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अलॉन्ग विद ए ओ ह्यूमे एंड दिनशॉ एडुलजी वाचा। हिज बुक इन दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रॉट अटेंशन टू द ड्रेनिंग ऑफ इंडियाज़ वेल्थ इन टू ब्रिटेन। ये जो इनकी बुक थी ना, बहुत पॉपुलर बुक थी, पोएट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक की वजह से लोगों को ये पता चला कि इंडिया का जितना भी वेल्थ है, इंडिया की जितनी भी कमाई है, जितना भी इंडिया के पास पैसा है, वो सारा का सारा पैसा ब्रिटेन के अंदर जा रहा है धीमे धीमे। सबका ध्यान इस बुक ने खींचा और ये हकीकत से सबको वाकिया कराया। ही वॉज ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ द सेकेंड इंटरनेशनल अलॉन्ग विथ कोट्सकी एंड प्लेखानोव। अब सेकेंड इंटरनेशनल के ये मेंबर भी थे, ठीक है, कोट्सकी और प्लेखनोव के सिवा ये भी थे। तो आंसर था ऑप्शन ए, शेठ नावरोजी पेस्तनजी वकील। क्वेश्चन 15, द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फर्स्ट कंसीव इन मलाया बाय। तो पहली बार किसके दिमाग में इंडियन नेशनल आर्मी का आइडिया आया? ए मोहन सिंह, बी रास बिहारी बोस, सी सुभाष चंद्र बोस और डी निरंजन सिंह गिल। एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए मोहन सिंह। मोहन सिंह के माइंड में ये आइडिया आया था, इंडियन नेशनल आर्मी बनाने का आइडिया, ठीक है। तो मोहन सिंह कौन थे? ही वॉज एन इंडियन मिलिट्री ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, बेस्ट नोन फॉर हिज रोल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग द फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी इन साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ऑल दो प्रीतम सिंह वॉज इन्वॉल्व टू अ लार्ज एक्सटेंट, इट वॉज फुजीवारा हु विथ हिज सिंसेरिटी ऑफ पर्पस एंड बिलीफ कन्विंस्ड मोहन सिंह टू बिट्रे हिज ओथ टू द क्राउन बाय यूनाइटिंग विद द जैपनीज मिशन फॉर द ग्रेटर मोटिव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे प्रीतम सिंह जो थे वो काफ़ी हद तक इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन फ्यूजीवारा जो थे, फ्यूजीवारा आई थिंक जापान को ही कोई ऑफिसर होंगे, तो फ्यूजीवारा ने मोहन सिंह को राजी किया था। फ्यूजीवारा ने देखा, फ्यूजीवारा के अंदर बहुत ही सिंसेरिटी थी और ये उनका मानना था, उसी की वजह से इन्होंने मोहन सिंह को कन्विंस किया कि आप ये जो ब्रिटिश क्राउन है उसके खिलाफ जो अपनी वफादारी है उसको छोड़ दो और आप जापानीज़ मिशन के साथ जुड़ जाओ। जापानीज़ मिशन जिसका मेन मकसद है इंडिया का इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया की आज़ादी। द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ रास बिहारी बोस एन इंडियन रेवोल्यूशनरी हु हैड एस्केप टू जापान इन जून 1915 एंड हु हैड बीन लिविंग देयर एवर सिंस हैड बीन इनॉग्रेटेड। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई थी रास बिहारी बोस के द्वारा, जो कि एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, जो जून 1915 में जापान भाग गए थे और वो वहाँ पे तब से रह रहे थे। इन्होंने ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। थ्रू वन ऑफ द 35 रेजोल्यूशंस पास्ड बाय द कॉन्फ्रेंस मोहन सिंह वॉज अपॉइंटेड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ लिबरेशन फॉर इंडिया। तो 35 रेजोल्यूशंस जो पास हुए उस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे इन कॉन्फ्रेंस में रिजोल्यूशंस पास होने की वजह से मोहन सिंह को कमांडर इन चीफ बना दिया गया है, आर्मी ऑफ लिबरेशन फॉर इंडिया, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसमें आंसर है ऑप्शन ए मोहन सिंह। क्वेश्चन 16, द आर्ट ऑफ टेम्पल बिल्डिंग एंड मेकिंग द आइडल्स हैज़ बीन प्रिजर्व बाय अ कम्युनिटी इन गुजरात नोन एज। तो कौन सी कम्युनिटी है गुजरात में जो मूर्तियाँ बनाती है और मंदिर बनाती है? ए क्षत्रिय, नहीं क्षत्रिय तो लड़ते हैं, राइट। बी सोमपुरा, सी भील या फिर डी वैश्यस। ये मुझे मिला है इस वेबसाइट पर से, gujarat.gov। क्षत्रिय, क्षत्रिय ये लोग तो वॉरियर ट्राइब हैं, वे जो वॉर में और बैटल्स में पार्टिसिपेट करती है, जो किंग के लिए एज ए सोल्जर काम करती थी। सोमपुरा लोग कौन थे? दे आर स्पेशलाइज्ड इन मेशनरी वर्क, आर्टिस्टिक कार्विंग्स एंड स्कल्पटिंग एज वेल एज आर्टिस्टिक स्टोन शेपिंग वर्क, एस्पेशली इन वर्क्स ऑफ आइडल मेकिंग।
तो इनका ये सब काम था, कलाकारी का काम, आर्टिस्टिक कार्विंग करने का, स्कल्पचरिंग करने का, पत्थरों को शेप करने का, ये सब इनका काम था। अमंग द नोटेबल आर्किटेक्चर बिल्ड बाय देम, इनमें जो सबसे ज़बरदस्त इनका आर्किटेक्चर इन्होंने बनाया था वो था हवा महल, द रॉयल पैलेस नियर वधवान, बिल्ट फॉर द सुल्तनत ऑफ गुजरात, एंड मोर रिसेंटली द सोमनाथ टेम्पल बिल्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो सोमनाथ जो टेम्पल बना था इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, जो उसको फिर से बनाया गया था अच्छे से, उसमें सोमपुरा लोगों का हाथ है, और हवा महल जो था उसमें भी इनका ही हाथ है, राइट, इन्हीं लोगों ने बनाया था। अब भील कौन है? भील, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर मेसन्स एंड असिस्ट टू मेसन्स, मतलब ये जो काम, ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं, जो रोड बनते हैं, जो घर बनते हैं, उनमें काम करने वाले ये ज़्यादातर होते हैं, मेसन्स होते हैं, भील होते हैं। इन द प्रोसेस दे लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। भील्स हैव एडॉप्टेड वेरियस ऑक्यूपेशंस लाइक रोड कंस्ट्रक्टर्स, हेल्पर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, गार्ड्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, क्वेरी वर्कर्स, स्टोन कटर्स, लेबर वर्क एट शॉप्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रैक्टर्स। शॉप्स एंड ट्रैक्टर्स मतलब कि इन सब में भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो आंसर था हमारा ऑप्शन बी, सोमपुरा। सोमपुरा ये प्रजाति है जो, ये मतलब जातियां हैं जो टेंपल बनाने के काम करती हैं और मूर्तियां बनाने के काम करती हैं गुजरात के अंदर। क्वेश्चन 17, हु फाउंडेड द भावनगर सेविंग्स बैंक? ए तख्त सिंह जी, बी भाव सिंह जी वन, सी भाव सिंह जी टू, डी कृष्ण कुमार कुमार सिंह जी। इसमें देखते हैं पहले भाव सिंह जी टू, तख्त सिंह जी जो 26 अप्रैल 1875 से लेकर 16 जुलाई 1919 तक थे, ये महाराजा थे, किस डायनेस्टी के? गोहिल डायनेस्टी के महाराजा थे जिन्होंने भावनगर स्टेट पे राज किया था, जो वेस्टर्न इंडिया में जो भावनगर स्टेट है वहाँ पे राज किया था 1896 से लेकर 1919 में, मतलब के 23 साल तक यहाँ पे इन्होंने राज किया था। एज अ मेजर ऑफ फेमाइन रिलीफ वर्क्स ही फाउंडेड द भावनगर दरबार बैंक इन 1902। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जब फेमाइन होता था ना, मतलब जो फूड की शॉर्टेज होती थी, इन सब बातों को ध्यान में रखकर इन्होंने भावनगर दरबार बैंक बनाई थी 1902 में, ताकि ये फार्मर्स को लोन दे सके, मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को लोन दे सके, और इन्होंने एक कोऑपरेटिव मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। ये जो बैंक इन्होंने फाउंड की थी, दिस बैंक फाउंडेड बाय हिम एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ भावनगर प्रभाशंकर पटनी, लेटर ग्रीव इन टू स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। ये बैंक जो इन्होंने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भावनगर मतलब के प्रभाशंकर पटनी, इन दोनों ने मिलकर इस बैंक को फाउंड किया था, वही बैंक बाद में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र कहलाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भाव सिंह जी टू। क्वेश्चन 18, हु रोट अ बुक एंटाइटल द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस, ये बुक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती, एंड ऑप्शन डी आई जी पटेल। दिस बुक वॉज रिटन टू रेज द करेंसी क्वेश्चन इन इंडिया विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बुक लिखी गई थी ताकि करेंसी का जो क्वेश्चन है वो इंडिया में रेज किया जा सके, और उसी की वजह से आगे जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना हुई। फर्स्ट पब्लिश इसको कब किया गया था? 1923 में, और ये लिखा गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन शोज कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन फ्रॉम द सेवेंथ मिलेनियम BC। ओके, तो इनमें से कौन सी साइट जो है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है, और वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वो 7th मिलेनियम BC से वहाँ पे लोग रहते थे, तो क्या वो मोहनजोदारो है, क्या हड़प्पा है, या सी धोलावीरा, या फिर डी मेहगढ़। तो मोहनजोदारो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदारो वॉज बिल्ट इन द 26th सेंचुरी BCE। इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ द एंशंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज द हरप्पन सिविलाइजेशन, विच डेवलप्ड अराउंड 3000 BCE फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक इंडस कल्चर। एट इट्स हाइट द इंडस सिविलाइजेशन स्पैंड मच ऑफ वॉट इज नाउ पाकिस्तान एंड नॉर्थ इंडिया, एक्सटेंडिंग वेस्टवर्ड टू द ईरानियन बॉर्डर, साउथ साउथ टू गुजरात इंडिया, एंड नॉर्थवर्ड्स टू एन आउटपोस्ट इन बैक्ट्रिया। विद द मेजर अर्बन सेंटर्स एट हरप्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा एंड राखीगढ़ी। सिंस फर्स्ट नोन विलेज, सिंध का जो फर्स्ट नोन विलेज है जहाँ पे सेटलमेंट्स होती थी, जहाँ पे लोग रहते थे, वो कितना पुराना है? 7000 BCE पुराना है, मतलब 7000 BCE, वो 7000 साल और ये 2000, गिन लो कितना, 9000 साल पुराना ये है फर्स्ट विलेज सिंध का।
परमानेंट सेटलमेंट्स एट मेहगढ़ करंटली इन बलोचिस्तान टू द वेस्ट एक्सपांडेड इन टू सिंध. जो परमानेंट सेटलमेंट था ना, ये मेहगढ़ कहाँ पे है? बलोचिस्तान में है. और इसका जो वेस्ट है, वेस्ट की तरफ अगर आए तो इसका एक्सपांड हुआ था सिंध सिंध तक. दिस कल्चर ब्लॉसम्ड ओवर सेवरल मिलेनिया एंड गेव राइज टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड 3000 BCE. अब यही कल्चर आगे जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हुआ जो 3000 BCE, मतलब उसके 4000 साल बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ. वाह. अब आंसर है ऑप्शन डी, मेहगढ़. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 20. अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र उड़का भाग वॉज अ टैक्स लेविड. ऑप्शन ए, ये उड़का भाग जो है वो टैक्स किस किस मामले में लिया जाता था? इन सिचुएशन ऑफ फिस्कल क्राइसिस, या फिर ऑन एक्टर्स सिंगर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, या फिर ऑप्शन सी कल्टीवेशन इन क्राउन, या फिर ऑप्शन डी यूज़ ऑफ इरीगेशन वर्क्स. तो उड़का भाग जो है अर्थशास्त्र के हिसाब से, उड़का भाग ये जो टैक्स है वो किसके ऊपर लिया जाता था इसमें से? तो ये सारा पूरा डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं, अगर आप आ ही गए तो पढ़ लो, देख लो इसको, ठीक है. इन अर्थशास्त्र कौटिल्य व सॉरी कौटिल्य हैज़ मैंशनड वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज सच एज. कौटिल्य ने बहुत सारे टैक्सेस और ड्यूटीज़ के बारे में बताया है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे लगती थी, ट्रेड पे, ऑक्ट्रॉय पे, ऑक्ट्रॉय मतलब जकात नाका, ठीक है, टोल्स एंड कस्टम ड्यूटीज़. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टैक्सेस वर एज फॉलोज. जो टैक्सेस थे वो ये सब थे, यहाँ पे बताया जा रहा है. कस्टम ड्यूटी मतलब शुल्क, विच कंसिस्टेड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब प्रवेश्य, एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब निष्क्रम्य, एंड गेट टोल्स, गेट टोल्स या फिर ऑक्ट्रॉय जिसको बोलते हैं द्वार द्वार बहिरी का देय, द्वार बहिरी का देय, और ट्रांजैक्शन टैक्स जिसको बोलते हैं व्याजी, जिसके अंदर मानव व्याजी मतलब ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन टैक्स फॉर क्राउन गुड्स ये होता था. शेयर ऑफ प्रोडक्शन मतलब भाग, विच इंक्लूडेड 1/6 शेयर कॉल्ड शतभाग, टैक्स इन कैश कॉल्ड कर, टैक्सेस इन किंड कॉल्ड प्रतिकार, विच इंक्लूडेड लेबर, लेबर मतलब विशिष्टि विष्टि फॉर मिलिट्री अयोध्या अयोध्या, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज मतलब वैधारणा, रोड सेस वर्तानी, मोनोपोली टैक्स परिका, रॉयल्टी प्रक्रिया, और टैक्सेस पेड इन काइंड बाय विलेजेस पिंडकार, और आर्मी मेंटेनेंस टैक्स जिसको बोलते हैं सेना भक्तम, सर चार्जेस मतलब पर परस्वम. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूज़ ऑफ इरिगेशन वर्क्स, जो मैंने रेड में यहाँ पे लिखा है वो, ठीक है. तो इरिगेशन वर्क्स के लिए सब काम में होता था. आगे है कोषमूल दंड. कोषमूल दंड मतलब रेवेन्यू इज द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज सोर्स्ड फ्रॉम कौटिल्यास अर्थशास्त्र पार्ट 8 चैप्टर 1. दिस इम्प्लाइज दैट अ नेशन्स स्टेटस रिलाइज अपॉन इट्स फिस्कल पावर. ही एक्सप्रेस्ड दैट द गवर्नमेंट्स पावर हैड सोर्स ऑफ ट्रेजरी. इन्होंने ये एक्सप्रेस किया कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो कहाँ से मिलती है, उसके पास जो खजाना होता है वहाँ से गवर्नमेंट को पावर मिलती है. दिस वर्स इज यूज इन द लोगो ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इन देवनागरी स्क्रिप्ट. ये जो कोश मूल दंड ये जो है ये कहाँ पे, ये किसका लोगो है पता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, उसका ये लोगो है, उसके लोगो में ये लिखा गया है, सॉरी उसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगो के अंदर ये लिखा गया है कोश मूल दंड. अब 21 जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल. कहीं पे भी वीडियो में जो भी मुझसे कुछ मिस्टेक्स हुई हो तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है. अपनी तरफ से मेरा पूरा ट्राई रहता है कि वीडियो में कोई मिस्टेक ना हो, फिर भी हो सकती है, ऑफकोर्स आई एम ए ह्यूमन बींग राइट जस्ट लाइक यू ऑल. सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल चिल्ड्रन, माय फ्रेंड्स गुड बाय. दिस इज राजकुमार यादव साइनिंग ऑफ.